हेलो किड्स वेलकम टू मैग्नेट ब्रिंग्स आज हम करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज चैप्टर सेइंग विदाउट स्पीकिंग की वर्कशीट जिसमें हम करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आंसर्स और साथ में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस As, जैसे कि हमें पता है कि दिस चैप्टर वॉज ऑल अबाउट साइंस बॉडी एक्शंस एक्सप्रेशंस बिकॉज अगर हमें या किसी ऐसे इंसान को जो बोल नहीं सकता सुन नहीं सकता बात समझानी होती है तो वो क्या यूज़ करता है वो साइन लैंग्वेज यूज़ करता है और ऐसे भी लोगों के बारे में जाना जो लोग देख नहीं सकते दे आर नोन एज ब्लाइंट पीपल और ये सारी चीज़ें करने के लिए लगते हैं हमें सेंस ऑर्गन्स एंड देन वी केम टू नो दैट We have five sense organs, जिसमें हमने ये देखा आईज होती है ईयर्स होते हैं नोज होता है टंग होता है स्किन होता है और ये सारे ऑर्गन्स की कुछ ना कुछ क्या होती है खासियत होती है तो हमने ये सब चैप्टर में जाना समझा और अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट है हाउ मैनी सेंस ऑर्गन्स डू ह्यूमन बींग्स हैव येस तो आप खुद ही बताओ कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं अगर हम देख सक रहे हैं तो ऑब्वियसली वी आर सींग विल्प ऑफ आर आइज़ अगर हमें कुछ ब्रीथ कर पा रहे हैं हम एयर को क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है और हम कुछ स्मेल कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें वो कैसे कर पाते हैं विद यूजिंग आर नोज़ हम अगर सुन पा रहे हैं तो वी कैन हीयर थ्रू आर ईयर्स हम अगर बोल पा रहे हैं कुछ टेस्ट कर पाते हैं तो वी कैन यूज इट यू डू दिस विद दी हेल्प ऑफ आर टंग और अगर हमें कुछ महसूस होती है चोट लग जाती है गर्म ठंडा यह सब हम कर पाते हैं अपने स्किन से तो ओवरऑल इफ यू विल काउंट दीज ऑर्गन हाउ इट बिकम दे विल बिकम फाइव सो ह्यूमन बींग्स हैव फाइव सेंस ऑर्गन्स ओके सो ऑलवेज रिमेंबर पांच सेंस ऑर्गन होते हैं एक ह्यूमन बींग के पास एंड दीज सेंस ऑर्गन आर वेरी इंपॉर्टेंट ओके टू डू डेली एक्टिविटी To understand what is happening around us. विच पीपल यूज साइन लैंग्वेज येस कौन से लोग होते हैं जो साइन लैंग्वेज यूज करते हैं तो जो बोल नहीं सकते सुन नहीं सकते वो लोग यूज करते हैं साइन लैंग्वेज तो आप कोई भी एक लिख सकते हो या दोनों के नाम लिख सकते हो डम पीपल यूज साइन लैंग्वेज ओके जैसे दम शराब खेलते हो ना और उसमें हमें कुछ भी सिचुएशन मिलती है एंड देन यू नीड टू एक्ट सो यू यूज साइन लैंग्वेजेस और सम काइंड ऑफ एक्सप्रेशन सो सिमिलरली द पीपल हु केन नॉट

सेंस ऑर्गन्स आर इम्पॉर्टेंट टू अस टू हेल्प अस नो वॉट इज हैपनिंग अराउंड अस येस द आंसर इज़ वेरी सिंपल हमें सेंस ऑर्गन्स चाहिए ये जानने के लिए कि हमारे तरफ चारों तरफ सराउंडिंग्स में क्या क्या हो रहा है इसलिए सेंस ऑर्गन्स क्या बन जाते हैं हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके ब्लाइंड पीपल डैश यूज लैंग्वेज टू रीड एंड राइट ओके जैसे कि वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियसाइड एंड डफ पीपल यूज साइन लैंग्वेज टू मेक अदर्स अंडरस्टैंड टू एक्सप्रेस दैमसेल्स सिमिलरली ब्लाइंड पीपल ऑल्सो यूज वन काइंड ऑफ लैंग्वेज टू एक्सप्रेस दैमसेल्व एंड दैट लैंग्वेज इज नोन एज ब्रेल स्क्रिप्ट लैंग्वेज ओके एंड हियर यू कैन सी इन द पिक्चर कि ब्रेल स्क्रिप्ट लैंग्वेज क्या होती है ठीक है ब्रेल स्क्रिप्ट लैंग्वेज में क्या है डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट्स दिए रहते हैं और ये हार्ड सरफेस होता है इसको टच करके आप ये जानते हो कि क्या क्या चीजें हैं क्या क्या समझाना है आपको और इस तरह से आप अपनी बात को दूसरों के सामने रखते हो ठीक है सो so, याद रखना कि जो ब्लाइंड पीपल होते हैं दे यूज़ ब्रेल लैंग्वेज स्क्रिप्ट ओके ब्रेल वो अपनी बात कैसे बताएंगे बिकॉज दे के नॉट सी वो तो देख भी नहीं पा रहे उनको तो कुछ दिख नहीं रहा कि कौन खड़ा है क्या सुनना चाह रहा है तो वो अपनी बात को अगर समझाना चाहते हैं सो हाउ दे विल यूज दे विल यूज़ ब्रेल स्क्रिप्ट ओके सो अंडरस्टैंड द ब्रेल स्क्रिप्ट लुक्स लाइक दिस मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन नॉ एंड मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन है आपको उसमें से सही ऑप्शन को क्या करना है टिक करना है डफ एंड डम पीपल यूज विच लैंग्वेज टू कन्वेल्स डफ और डेम पीपल कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं कन्वे कन्वे मतलब अपनी बात को समझाने के लिए सो द ऑप्शन आर बॉडी साइन मुद्रास सो द करेक्ट आंसर इज साइन ओके okay? वो कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं वो साइन लैंग्वेज यूज करते हैं अपनी बात को समझाने के लिए देन I help us to dash the things around us. आंखें हमको क्या करने में मदद करती हैं So the options are speak for, see, ignore. Obviously eyes हमको देखने में मदद करती है और इसलिए आपका आंसर बन जाता है करेक्ट सी ओके देन वी शुड डैश डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस यस हमने पढ़ा है अपनी प्रीवियस लाइट्स में कि डिफरेंटली एबल्ड पर्सन कौन होते हैं हैंडी कैप पर्सन एंड दोस्त पर्सन जिसके एक या ज़्यादा बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं खराब होते हैं काम नहीं करते उन लोगों को वी कॉल दैम डिफरेंटली एबल्ड पर्सन सो यू हैव ऑप्शन लव एंड रिस्पेक्ट हेट एंड डिस्कार्ड एंड इग्नोर तो आपको क्या करना चाहिए उन जैसे लोगों को ऑब्वियसली यू शुड लव एंड रिस्पेक्ट दीज पीपल है इग्नोर करना, इनको इनको करना चाहिए इस तरह से कोई चीजें नहीं करनी चाहिए इनफैक्ट वी शुड लव दी शुड रिस्पेक्ट देम सो यंसर बिकम लव एंड रिस्पेक्ट ओके सो नेक्स्ट इज मैच दी फॉलोइंग अब आपको क्या करना है मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी से ओके सो लेट्स डू ओके सो इन कॉलम ए यू हैव सम ऑप्शंस इन कॉलम बी यू हैव सम ऑप्शंस आपको कॉलम ए के ऑप्शंस को कॉलम बी के साथ विच करेक्ट आपको करना है मैच ओके सो नाउ द फर्स्ट इज चिल्ड्रन तो चिल्ड्रन का बेस्ट ऑप्शन आपको क्या लगता है सो हियर वी गो शुड बी लव्ड एंड केयर्ड शुड बी रिस्पेक्टेड इज यूज बाय ब्लाइंड पीपल हैव अ सिक्स सेंस एंड शुड स्टडी सो ऑब्वियसली चिल्ड्रेन आपकी फॉरमोस्ट ड्यूटी क्या है टू स्टडी ओके सो द आंसर इज चिल्ड्रन शुड स्टडी ओके नेक्स्ट ब्लाइंड पीपल शुड बी लव्ड एंड केयर्ड शुड बी रिस्पेक्टेड इज यूज बाई ब्लाइंड पीपल हैव अ सिक्स सेंस ओके सो अंडरस्टैंड चिल्ड्रन जो लोग देख नहीं सकते उनको सिक्स सेंस होता है ओके उनको एक एक्स्ट्रा सेंस मिल जाती है टू अंडरस्टैंड के उनके इर्द गिर्द उनके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है सो दीज पीपल आर वेरी स्पेशल वन ओके सो दीज पीपल हैव गॉट वॉट टाइप ऑफ सेंस सिक्स सेंस द करेक्ट आंसर विल बिकम ब्लाइंड पीपल हैव अ सिक्सेंस ओकेर सिटीजन उनको क्या करना चाहिए शुड बी लव एंड केयर्ड शुड बी रिस्पेक्टेड इज यूज बाई ब्लाइंड पीपल तो जो हमसे बड़े हैं बूढ़े हैं सीनियर हैं उनको हमें क्या देनी चाहिए रिस्पेक्ट देनी चाहिए सो दैट इज वाई सीनियर सिटीजन शुड बी रिस्पेक्टेड नेक्स्ट है डिफरेंटली एबल्ड ओके ना जो डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं जिनके पास में एक से ज़्यादा बॉडी उनके पार्ट्स खराब होते हैं वी कॉल दम हैंडी कैप पीपल एंड हैंडी कैप पीपल आर ऑल्सो नोन एज डिफरेंटली एबल्ड पर्सन तो उनको क्या होना चाहिए शुड बी लव्ड एंड केयर्ड येस ना आप उनको इग्नोर करो ना आप उनको हेट करो उनको प्यार दो इज्जत दो और उनकी केयर करो सो द आंसर बिकम्स डिफरेंटली एबल्ड शुड बी लव

करेक्ट आंसर्स ओके सो आई होप आपको ये समझ में आ गया अच्छे से और आपने ये चैप्टर भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया आप और भी क्वेश्चन आंसर्स करना और रिवाइज करना ताकि आपका ये चैप्टर बन जाए और भी और स्ट्रांग ओके सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में विथ न्यू चैप्टर और मैग्नेट ब्रेंस को लाइक सब्सक्राइब फॉलो करना जरा भी मत भूलिए ऐसे न्यू न्यू वीडियोज देखने के लिए क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडर गार्डन टू ट्वेल्थ फ्री वीडियोस तब तक के लिए बाय बाय